मेरे युवा साथियों, बहनों, आओ हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमने कुछ सोच रखा हो, कुछ हमारे हृदय में कर गुजरने की तमन्ना हो, तो देर नहीं लगाओ। हम जितनी देर कर रहे हैं उतनी देर हो रही है, नहीं तो सफलता तुम्हारी मुट्ठी में है। हम नकारात्मक सोचते हैं तो पीछे रह जाते हैं, हम सकारात्मक सोचते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। जिन्हें आगे बढ़ना है उन्हें नकारात्मक नहीं सोचना है, और जिन्हें नकारात्मक सोचना है समझ लो वो जीवन में आगे बढ़ने वाले ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोच ही सब कुछ निर्धारित करती है। हम यदि पॉजिटिव सोचते हैं तो काम आसान हो जाते हैं, हम यदि नेगेटिव सोचते हैं तो काम कठिन हो जाते हैं। तो काम कठिन और सरल नहीं है, हमारी सोच ने उन्हें कठिन और सरल बना दिया है। हम यदि पॉजिटिव सोचने लगें, सकारात्मक सोचने लगें, तो बड़े बड़े काम छोटे हो जाएं, और यदि हम नकारात्मक सोचते रहेंगे तो छोटे छोटे काम बड़े हो जाएंगे। इसलिए भाई, उल्टा सोचना बंद करो, सीधा सोचना चालू करो। कल करने वाले काम को आज करो, आज करने वाले काम को अभी करो। कुछ अच्छा आइडिया आ रहा हो तो उसे अमली जामा पहनाओ, अर्थात उसे करने के लिए आगे आ जाओ। सोचो नहीं कि कल करेंगे, कल 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 करते न जाने कितने कल बीत गए, कितने आज बीत गए। आओ मेरे साथियों, कुछ करने की तमन्ना हो, कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना हो, तो आज ही वो करने लग जाओ जो करने का तुम्हें अंदर से चाव है। क्योंकि सोचते सोचते तो बहुत समय बीत गया और बहुत समय बीत जाएगा। अक्सर सोचते सोचते रहने वाले लोग सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन जिन्हें करना है उन्हें करना है। कब करना है? अभी करना है, आज ही करना है। कोई आइडिया आ रहा हो तो आगे आओ, उस आइडिया को जीवन बनाओ। कुछ करने की तमन्ना हो तो आगे आओ, उसे अपने जीवन के लिए समर्पित कर दो। समझ में आता है भाई? इसलिए क्योंकि हमारी सोच ही हमारा कैप्टन है, हमारी टीम का हेड है। हमारी सोच जिस तरफ जाएगी, हमारी सारी शक्तियाँ, हमारी पूरी टीम उस तरफ चली जाएगी। हमारी सोच जिस तरफ जाएगी, हम उस तरफ दौड़ लगाएंगे। इसलिए सब कुछ सकारात्मक सोच का, पॉजिटिव एनर्जी का कमाल है। एक छोटा व्यक्ति पॉजिटिव सोचकर बड़ा हो जाता है, एक बड़ा व्यक्ति नेगेटिव सोचकर छोटा हो जाता है। सब सोच का कमाल है। छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती, बड़ी सोच कभी रुकने नहीं देती। जो बड़ा सोचता है उसका बहुत बड़ा काम होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक सिंगल मैन थे, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी, हमें भारत आज़ाद करना है। तो देखो, उन्होंने भारत को आज़ाद कर भी दिया। लेकिन यदि वो यही सोचते रहते कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता है अकेले ही काम चालू होता है। दुनिया के सारे काम अकेले ही चालू हुए हैं। इसलिए भीड़ का इंतजार नहीं करो। भीड़ का स्वभाव तो सफल लोगों के पीछे चलने का है, लेकिन सफल लोगों का स्वभाव भीड़ के पीछे चलने का नहीं है। वे तो चल पड़ते हैं, भीड़ अपने आप उनके पीछे चलने लगती है। इसलिए यदि आपको सफलता चाहिए, यदि आपको जीवन में कुछ करना है, तो चल पड़िए, निकल पड़िए, कल पर नहीं डालिए। आज अभी मुझे वो काम चालू करना है और वो काम मैं कर सकता हूँ। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं काम नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। यदि आप ये सोचते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर में पावर पैदा कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी पैदा कीजिए, सकारात्मक सोचिए। सकारात्मक सोचेंगे तो सब सरल हो जाएगा, नकारात्मक सोचेंगे तो सब कठिन हो जाएगा। और आदर्श उन महापुरुषों को बनाइए, उन सफल लोगों को बनाइए, जैसे धीरूभाई अंबानी अकेले सिंगल मैन थे, आज कितना बड़ा एम्पायर खड़ा है। इसलिए भाई, उस काम की शुरुआत सिंगल से ही होती है। आखिर गिनती में भी तो हम देखते हैं, एक से ही तो गिनती चालू होती है, फिर वही गिनती हजारों लाखों में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए ये मत सोचे कि मैं क्या करूँगा। एक अकेला व्यक्ति ही सब कुछ करने में समर्थ है, और दुनिया में हर कार्य की शुरुआत किसी वन मैन से हुई है। और आज वो दिन आ गया है कि हम वो वन मैन बन जाएं, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में लगाएं
और अपने लक्ष्य की तरफ, अपने टारगेट की तरफ बढ़ते चले जाएं। आओ प्रभु आओ, सफलता आपका इंतजार कर रही है, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच आपकी सफलता को आपसे दूर कर रही है। इसलिए हमें सफलता से दूर नहीं रहना है, सफलता मेरे कदमों को चूमेगी, क्योंकि अब मुझे उल्टा सोचना ही नहीं है, नकारात्मक सोचना ही नहीं है। सकारात्मक सोच जीवन को आगे बढ़ाएगी, नकारात्मक सोच जीवन को पीछे करेगी। आओ प्रभु आओ, दुनिया मेरी मुट्ठी में है यदि मैं सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव सोच रहा हूँ। दुनिया मेरी मुट्ठी से निकल गई है यदि मैं नकारात्मक सोच रहा हूँ, नेगेटिव सोच रहा हूँ। इसलिए सब सोच का कमाल है, आप जैसा सोचेंगे प्रकृति वैसा आपका साथ देगी, दुनिया वैसा आपका साथ देगी। आप नेगेटिव सोचेंगे तो दुनिया आपका साथ नहीं देगी। इसलिए जिसे आगे बढ़ना है, जिसे मोक्ष, जिसे अपने मार्ग को प्रशस्त करना है, चाहे धर्म का मार्ग हो और चाहे लौकिक जीवन का, उसे सकारात्मक ही सोचना पड़ेगा। आओ मेरे देश के वासियों, आओ मेरे युवा साथियों, हम आगे बढ़ें, कल पर नहीं आज पर ही सारा फोकस करें। और आज हमने यदि आगे बढ़ने की ठान ली तो कल हमारा होगा। आइए प्रभु आइए, भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश मत कीजिए, आप तो आगे बढ़ जाइए, भीड़ आपके पीछे आएगी। आइए प्रभु आइए।